स्कारलेट मैकॉव ऐसा तोता है जो शेप और कलर तक बता सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले इस बर्ड के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता। तो पेश है आपके लिए दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत तोते जिनको एक बार देखना तो जरूर बनता है। नंबर 10, सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू। तोते की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 17 से 25 इंच के बीच में होती है। बात करें इनके अपीयरेंस की तो ये सफेद रंग के होते हैं जिनके ऊपर पेल येलो कलर का क्राउन होता है और चोंच काले रंग की होती है। इनका ये कलर कॉम्बिनेशन आंखों को सुकून देता है ना। मेल और फीमेल सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू वैसे तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके बीच में सिर्फ आंखों के कलर का डिफरेंस होता है। फीमेल की आंखों का रंग रेड ब्राउन होता है, मेल्स की आंखों का रंग डार्क ब्राउन होता है। तोते की यह आइकॉनिक प्रजाति लगभग 70 सालों तक जीवित रह सकती है। इसके अलावा ये बड़े पारिवारिक भी होते हैं। ये कई सालों तक एक ही फैमिली में एक साथ रहते हैं। बात करें इनके खाने की तो ये बेरीज, सीड्स और नट्स खाते हैं। नंबर 9, ब्रॉन्ज विंग्ड पैरट। साउथ अमेरिका से बिलोंग करने वाली तोते की ये प्रजाति मीडियम साइज की होती है जिसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अजीब होता है। इनके पंखों का रंग डार्क पर्पल और ब्लू होता है। इनके पंखों पर ब्रॉन्ज पैचेस होते हैं। इसके अलावा इनके पंखों के एंड पर वायलेट रंग भी होता है और गले पर हल्के गुलाबी रंग के पैचेस होते हैं। ब्रॉन्ज विंग्ड पैरट का ये अनयूजुअल कलर्स ही इसको खास बनाते हैं। साथ ही ये तोते काफी सोशल और काम होते हैं और ज्यादातर समय खेलने में मस्त ही होते हैं। इनकी खासियत है कि ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये किसी की भी आसानी से मिमिक्री कर सकते हैं, जिनकी वजह से लोग इनको घरों में पालना काफी पसंद करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन मार्च से जून तक होता है। एक फीमेल ब्रॉन्ज विंग्ड पैरट एक बार में 3 से 4 अंडे देती है। नंबर 8, डस्की लॉरी। तोते की ये प्रजाति काफी ज्यादा एक्टिव और प्लेफुल होती है, जिसकी वजह से ये घरों में पाले जाने वाले दुनिया के सबसे पॉपुलर पैरट्स हैं। एक समझदार डस्की लॉरी किसी इंसान के बात करने की नकल काफी अच्छे से कर सकते हैं। इनको बच्चों की तरह खिलौनों के साथ खेलना भी पसंद होता है और नए नए लोगों से मिलने में भी ये पक्षी काफी दिलचस्पी रखते हैं। डस्की लॉरी न्यू गिनी में पाया जाता है, जिसको व्हाइट रम लॉरी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 10 इंच और वजन 140 से 190 ग्राम तक होता है। मेल और फीमेल डस्की लॉरी दिखने में एक जैसे ही होते हैं, जिनकी लगभग पूरी बॉडी ग्रे होती है। अपर चेस्ट के ऊपर ब्राइट ऑरेंज पैचेस होते हैं, ग्रे पैर होते हैं और चोंच ब्राइट ऑरेंज होती है। ये पक्षी फ्रूट्स और सीड्स खाते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये सबसे ज्यादा पाले जाने वाले तोते क्यों है। नंबर 7, गैला। पिंक कलर के इन तोतों को गैला पैरट के अलावा रोज ब्रेस्टेड कॉकटू और गैला कॉकटू भी कहा जाता है। तोते की ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पक्षी भी काफी सामाजिक होते हैं, जिनको लोग घरों में पालना पसंद करते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की तो ये 14 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 270 से 350 ग्राम तक हो सकता है। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा और पूंछ वाला हिस्सा ग्रे होता है। मेल्स और फीमेल्स लगभग एक जैसे ही लगते हैं। सिर्फ मेल्स की आंखें डार्क ब्राउन होती है और फीमेल्स की आंखों का रंग पिंकिश रेड होता है। गैला पैरट की खासियत ये होती है कि आसमान में करतब दिखा सकते हैं। इनके एक झुंड में करीब 1000 बर्ड्स तक होती है, जो खाने की तलाश में कई किलोमीटर का सफर भी तय करने से पीछे नहीं हटती। नंबर 6, ब्लू एंड येलो मैकाव। तोते की ये प्रजाति काफी बड़ी और सुंदर होती है, जो साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। इनकी बॉडी का भारी हिस्सा ब्लू होता है और अंदर का हिस्सा येलो होता है, जिसकी वजह से इनको ब्लू एंड येलो मैकाव का नाम दिया गया है। साथ ही इनके सर का छोटा सा हिस्सा हरा होता है, आंखों के आसपास का हिस्सा सफेद होता है और चोंच काली होती है। कुल मिलाकर ये तोता काफी रंगीन होता है। अपने इन ब्राइट कलर्स और टॉकिंग एबिलिटीज की वजह से ये लोगों में काफी पॉपुलर है। इतना ही नहीं, ये पक्षी भी दूसरे पक्षियों की तरह एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और सोशल होते हैं। इनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और उनसे नई नई चीजें सीखना खूब भाता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये नई शरारतों को बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। ये तोते घर में बच्चों से कम नहीं होते, ये उनकी तरह शरारत भी करते हैं और सबका मन भी लगा कर रखते हैं। नंबर 5, अफ्रीकन ग्रे। अगर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और टॉकेटिव तोते की बात की जाए तो अफ्रीकन ग्रे उनमें सबसे टॉप पर है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अफ्रीकन ग्रे अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और इनका रंग ग्रे होता है। वैसे तो इस प्रजाति के मेल और फीमेल भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन मेल्स की पूंछ के एंड में लाल रंग के पंख भी होते हैं, जबकि फीमेल्स के लाल पंखों पर सिल्वर धब्बे होते हैं। ये तोते किसी भी बात को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और इंसानों की तरह सीटी भी बजा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे किसी भी बात को सुनकर रिपीट करते हैं, उसी तरह ये तोता भी जो कुछ सुनता है उसको रिपीट करता है। फिर चाहे वो आवाज दरवाजे की हो, व्हीकल्स की हो, फायर अलार्म की हो, माइक्रोवेव की हो या फिर कोई और।